एसजीडब्ल्यूजी मुकाबले में 22 स्वर्णों के साथ शानदार प्रदर्शन, 61 पदकों के साथ चौथे नंबर पर रहा भारत। शिंदे गुट और बीजेपी खेमे में 9 मंत्री ले सकते हैं शपथ, 8 विधायक 11 बजे राजभवन में मंत्री पद की लेंगे शपथ। 8 कोऑपरेटिव बैंकों पर गिरी गाज, लगा लाखों का जुर्माना। कोहली और केएल राहुल की टीम में वापसी, जसप्रीत बुमराह और हर्षल चोट के चलते रहे बाहर। रेलवे ने कुल 145 ट्रेनों को रद्द करने का किया फैसला, 8 ट्रेनों का रूट किया गया डायवर्ट। नमस्कार, मैं हूं तुष्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम मातम का पर्व है, जिसमें तलवारबाजी जैसे तमाम जुलूस भी निकाले जाते हैं, जो कि अपने आप को पुरियतरमान हुसैन की शहादत में मनाया जाता है। त्यौहार 10 दिनों का होता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रंग बिरंगे कागजों पर तमाम तरीके का डिज़ाइन नफा फूल बनाकर ताजिया को तैयार करते हैं और 9 दिन पर ताजिया हुसैन की याद में रखा जाता है। किस लिए मनाया जाता है और इसके क्या मायने हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, पैगंबर मोहम्मद के जो नाती हैं इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, जो करबला की जंग में शहीद हो गए थे। यह एक मातम का त्यौहार है, जिसको शिया मुस्लिम के धर्म के लोग मातम के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों का है और मुस्लिम समुदाय के लोग इसको पहले से ही थर्माकोल और रंग बिरंगे कागजों जैसे तमाम तरीके की डिज़ाइन करके ताजिया को तैयार किया जाता है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे, आखिर वो ताजिया का नज़ारा दिखाएं, आखिर किस तरीके से थर्माकोल जैसी तमाम रंग बिरंगे कागजों से यह पूरा ताजिया जो है तैयार किया गया है मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा। यह एक मातम का त्यौहार है, जिसको ढोल नगाड़ों के साथ साथ तलवार बाजी जैसी तमाम लठबाजी जैसी तमाम अपने आप को तकलीफ दे करके ढोल नगाड़ों के साथ यह मातम का त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे साथ इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। आखिर ताजिया क्या किस लिए मनाया जाता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? ताजिया हम मनाते हैं अपने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहीद में जब वो आप करबला में शहीद हो गए थे अपने 72 साथियों के साथ, उन्हीं की याद में इस्लाम को बचाने के लिए उन्हीं की याद में ताजिया ये मुहर्रम मनाया जाता है, और ऐसी कोई उन्हीं की याद में मनाया जाता है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नवासे थे, उन्हीं की याद में मनाया जाता है मुहर्रम। तो ये थे हमारे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो ताजियादार हैं, और ऐसे में ताजिया को ये पूरा 10 दिन का, जैसे कि हमने आपको बताया 10 दिन का ये पूरा पर्व है, और इसको बड़े ही मतलब कि मातम के साथ मनाया जाता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अंबेडकर नगर में अलर्ट मूड पर है, शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी, अंबेडकर। जहाँ एक तरफ शासन द्वारा नौनिहालों को उच्च शिक्षा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रयागराज की तस्वीरें कुछ और बयां करती हुई नजर आ रही हैं। प्रयागराज के यमुना पार विकासखंड शंकरगढ़ में बच्चों के भविष्य के साथ इस हद तक खिलवाड़ किया जा रहा है कि समय से पहले ही विद्यालय में ताला लगाकर शिक्षक अपने घरों को चले जाते हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों के खुलने का समय दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि शिक्षकों को कार्यालय के काम के लिए करीब 2:30 बजे तक स्कूल में रहना अनिवार्य है। लेकिन शंकरगढ़ विकास खंड के अतरी समदरिया प्राथमिक विद्यालय 2 बजे से पहले ही ताला उसमें लटकने लगता है।
इस वक्त मैं प्रयागराज के यमुना पार विकास खंड शंकरगढ़ के अंतर्गत एक विद्यालय में हूँ और ये विद्यालय है अतरी समदरिया। ये प्राथमिक विद्यालय है और अगर यहाँ बात की जाए समय की तो समय करीब 2 बजने वाले हैं। ध्यान से अगर नज़र आएगा आपको तो देखिए कि समय अभी 2 भी नहीं बजे हैं और अगर सरकारी नियमों की बात की जाए तो सरकारी नियमों में विद्यालय के बंद होने का समय 2 बजे का रखा गया है, जबकि ये विद्यालय करीब आधे घंटे पहले ही बंद हो चुका है और यहाँ पर विद्यालय में कोई भी शिक्षक या छात्र नहीं है। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो ये वह तस्वीरें हैं, प्रधानाध्यापक कक्ष है जो अभी 2 भी नहीं बजे हैं और इसमें ताला लटक रहा है। ऐसे जितने भी यहाँ पे विद्यालय के कक्ष हैं उनमें आप साफ तौर पर ये ताला लटकते हुए देख सकते हैं और ये विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय अतरी समदरिया शंकरगढ़ प्रयागराज। तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर एक बड़ा सवाल को खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं कि एक तरफ जहाँ शासन उच्च शिक्षा की बातें करते हैं वहीं पर प्राथमिक विद्यालयों की जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर बड़े सवालिया निशान को खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। वाराणसी में महादेव के कई रूप हैं। यहाँ काल भैरव रूप में महादेव रक्षा करते हैं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ तारक मंत्र से तारते हैं। जानकारी के मुताबिक काशी में शिव का एक ऐसा रूप है जिसे तिला भांडेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं क्योंकि बाबा भोलेनाथ यहाँ हर रोज एक तिल के दाने के बराबर बढ़ते हैं। बहुत मान्यता है इसका, हम कुछ भी शब्द में नहीं कर पा रहे हैं। हम तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बारे में क्या जानते हैं? हम तो हमारा जन्म ही यहाँ पर हुआ है काशी में और हम जब से हो संभाले हैं हम बाबा का ध्यान में हमेशा रहते हैं और मेरा पूरा परिवार। आज हम रुद्राभिषेक किए हैं बाबा का, आज सोमवार आज है आखिरी सोमवार, इसलिए हम लोग का मन में आया भाव कि हम आज बाबा का रुद्राभिषेक कर लें पूरे परिवार के साथ। मेरे बच्चे भी हैं, पत्नी है। जी, मेरा नाम अमन जायसवाल है, मैं वाराणसी का ही रहने वाला हूँ और हम आज अपने परिवार के साथ आए थे। सावन का ये आखिरी सोमवार है तो इसलिए हम लोगों ने आज रुद्राभिषेक किया यहाँ पे। और जैसे कि कहते हैं कि इस मंदिर का मान्यता बहुत है वाराणसी में, तो आप चाहे वाराणसी बोलिए काशी बोलिए सब बाबा का एक ही नाम है। ये तिल भांडेश्वर महादेव का एक कहावत है कि ये तिल तिल बढ़ देते हैं। हमारे जो दादाजी थे उन्होंने अराउंड इतने बड़े में देखा था और आज बाबा इतने बड़े विशाल हो चुके हैं, तो ये मान्यता है। और यहाँ पे सावन के पर्व पे बहुत से बाहरी लोग आते हैं, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जहाँ से भी लोग हों सब लोग आते हैं दर्शन कर। कुशीनगर में हनुमानगंज थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पनियहवा ढाला के पास से चलती ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल वाहन भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा ट्रेनों में चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया गया है और 2 अभियुक्त जैकी शर्मा और विकास कुमार निवासी पटिसरा थाना नौरंगिया जनपद पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। ये बिहार के बगहा से गोरखपुर के बीच में ट्रेनों में चोरी घटनाएं कारित करते थे। इनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 12 एंड्रॉयड फोन बरामद हुए हैं। खबर गाजीपुर से है जहां मामूली विवाद में 2 पक्ष में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। दोनों पक्ष एक ही समुदाय के थे। घायल युवक को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एसपी ने दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रजदेपुर में कल ताजिया उठने वाली है यहाँ से। 2 पक्षों के बीच में बैंड को लेके कुछ विवाद जो है वो हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम शेरू है उसने और कुछ अन्य लोगों ने, जिसने शेरू को भड़काया था, इन लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया है। उस व्यक्ति को जो है अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी हालत जो है वो स्टेबल है। इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उचित धाराओं में जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जाएंगे। संभल में बजरंगबली सनातन समूह ने अपना 5वां स्थापना दिवस साहू झुन्नीलाल की धर्मशाला में मनाया गया।
वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भावना सक्सेना मौसम गुप्ता द्वारा किया गया, जिसके बाद सभी अतिथियों ने कार्यक्रम में धार्मिक ज्ञान प्रतियोगिता के विजय प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग में विजयी हुए 11 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जिसके बाद नगर से पत्रकार शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी में विश्वविख्यात छोटी काशी गोला गोकरण के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वही गंगा जल की कावड़ भरकर पैदल परंपरागत तौर पर शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में सिद्धार्थ यादव के घर में लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सिद्धार्थ यादव घर पर मौजूद नहीं थे, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में शिकायत की गई है। मैं सुबह गंगा नहाने गई थी, ताला लगा कि मेरे चोरी हो गई। चोरी में क्या क्या चोरी हुआ आपके साथ? हार, नर, जाले, झुमकी, आड़ू, पीछे मेरी दो जेंस की थी और पाए तोड़ियाँ थी, बच्चों की जेवर थी, तोड़ियाँ हाय और झुमकी थी और बेसर थी और भेंडी जो मैंने आपकी बनवाई। समथिंग कितने का होगा आपका जेवर? 4.5 लाख। और कुछ क्या कैश नहीं करा है? कैश कितना था? 48,000 रुपये का ही आप रखे थे? सर काम था, मैं मुझे किसी को देना था, रजिस्ट्री अभी करवाई थी तो दूसरे से लेके तो उनको हमें देना था, इस वजह से मैंने कर... ब्लेंडशर शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव आचरू कला में रघुनाथ सिंह इंटर कॉलेज के पास खड़ी एक युवती को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जबकि टक्कर लगने से महिला सड़क पर गिर गई, जिसको मौके पर मौजूद लोगों ने आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि मृतिका युवती पूनम शर्मा रघुनाथ सिंह इंटर आचरू कला में बतौर शिक्षिका के पद पर तैनात थी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।